देखो अपनी अपनी भी ब्लैक कार लेकर के चल रहे हैं ये, इनको मस्टैंग पसंद है। मस्टैंग मस्ते। हम लोग बस जा रहे हैं, बोर्डिंग करेंगे। हेलो एवरीवन, आज हम लोग कहीं दूर जा रहे हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, और हम लोग अपनी टाटा सफारी में निकले हैं घूमने के लिए विथ फैमिली। सो आज की ट्रिप कुछ अलग होने वाली है। ये आप बाकी लोगों से मिलिए। हेलो, कुछ हेलो कर दो। हेलो। देखो अपनी अपनी भी ब्लैक कार लेकर के चल रहे हैं ये, इनको मस्टैंग पसंद है। मस्टैंग मस्ते। आज हम लोग जा रहे हैं फ्रेंडशिप डे मनाने, क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, दिन भी अच्छा है, और इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ आज फुली एंजॉय करूंगी फ्रेंडशिप डे। सो ऑल ऑफ यू हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे एवरीवन। सो थोड़े बाहर के नज़ारे भी हो जाएं। दोस्तों अपनी जो टाटा सफारी है ये नॉर्मल सिटी मोड में चल रही है। कुछ भी बोल रहे हैं कि ये टाटा सफारी है, तो ये नॉर्मल सिटी मोड में चल रही है, और आज हम लोग इसका माइलेज टेस्ट भी कर लेंगे सिटी मोड में क्या रहता है। इसका ट्रिप मैं अभी ज़ीरो कर देता हूँ, मैं अभी ट्रिप ए पे हूँ, मैं इसका ट्रिप बी जो है वो एक बार ज़ीरो कर देता हूँ। यस, ट्रिप भी जीरो हो चुका है। लेट्स सी कि अब इसका माइलेज क्या निकल के आता है। बट मौसम सही है, बहुत सही हो रखता है। सो हम लोग अभी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे चढ़ने वाले हैं, और अभी अपना जो मैंने डीजल अभी वैसे फुल करवा लिया था, अभी 12.6 का माइलेज है सिटी मोड में, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। एंट्री करते हैं यहाँ ग्रेटर नोएडा से, सो फर्स्ट टोल एंट्री ये होती है, एंड इसके बाद जब आप एग्जिट करोगे तब एक्चुअल टोल कटेगा आपका। और अब क्योंकि ये रोड बहुत ही सही सी है, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे अपना क्रूज। मैंने क्रूज 73 पे सेट किया है अभी, जिसको मैं इंक्रीज करके अराउंड 81 पे भी ठीक है, देखते हैं बाद में इंक्रीज कर लेंगे। अब देखते हैं क्या आता है। सो मौसम वाकई बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग थोड़ी दूर तो आ गए हैं, अराउंड 20 किलोमीटर निकल आए हैं, और बहुत सही चल रहा है। गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छी लग रही है, और सब ने अपनी अपनी प्लेस ले ली है, अपनी अपनी जगह सब लोग बैठ चुके हैं। हम हैं पेरिफेरल हाईवे पे, और यहाँ पे ना इनिशियली थोड़ा सा जो रोड्स बनी हुई हैं थोड़ी सी
उनकी लेवलिंग सही नहीं हुई है। तो जब मेरे पास पोलो थी और मैं इस रोड से आता था तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता था। जो इसकी स्पीड दी हुई है 100 या 120, उस पर अगर आप चलाओगे तो हमेशा आपको एक बम्प सा फील होगा थोड़ी थोड़ी देर में, जहाँ पे भी पैचेस हैं। सफारी में ऐसा फील नहीं होगा। तो सस्पेंशन वाइज ज़बरदस्त। बाकी आप देख रहे हैं कुशु देखे पीछे बैठे हुए हैं और वाइफ यहाँ बैठी हैं, नज़ारों के मजे लिए जा रहे हैं। यहाँ हमने अपना क्रूज 99 पे सेट कर लिया है और अभी 14.8 की माइलेज आ रही है। अब हम लोग पेरिफेरल में वो वाली जगह पे आ गए हैं जहाँ पर स्पीड जो है, स्पीड लिमिट अब 120 की हो गई है। सो हमने अपना क्रूज जो है, मैं दिखाता हूँ, हमने अपना क्रूज 109 पे सेट किया हुआ है। 16.5 का माइलेज आ रहा है सिटी मोड में टाटा सफारी में। टाटा सफारी बोल दो। बारिश अभी भी हो रही है। सो हम लोग पेरिफेरल हाईवे से उतर चुके हैं और अब हम लोगों को 5 किलोमीटर और इसी वाले रोड पे चलना है उतरने के बाद। ये अपना NH44 है जो कि चंडीगढ़ अम्बाला जाएगा। अभी हम लोग 100 किलोमीटर्स चल चुके हैं और जिसका माइलेज आ रहा है वो 16.4 का आ रहा है। बारिश अभी भी हो ही रही है। सो अपना माइलेज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 16.5 पे गया है। जैसे भी ये ट्रिप यहाँ पर ख़त्म करेंगे तो हम निकालेंगे कि कितना माइलेज आया, और जब रिटर्न यहाँ से चलेंगे तो हम ओवरऑल का भी बताएंगे। खुशी को टाटा सफारी बोलना है, बोल दो टाटा सफारी। टाटा सफारी गाइस। तो हम लोग आ गए हैं हवाई अड्डा और यहाँ पर है एरोप्लेन ये, और हम यहीं पे ही अपनी ट्रिप एंड करेंगे। अभी आप देख रहे हो 16.7 की माइलेज आई है। हवाई अड्डा में जा रहे हैं उसके लिए बोर्डिंग पास लेना पड़ता है, जितने पैसेंजर पर पैसेंजर 100 रुपीज़। तो ये हमने ले लिया है और अब हम लोग एरोप्लेन में बोर्ड करने वाले हैं। और यहाँ पर तो बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ है, नाइस प्लेस टू बी। अब हम लोग बस जा रहे हैं, बोर्डिंग करेंगे। ये देखिए
जा रहे हैं। कौन सी वाले में जाना है ये देखते हैं। ये देखिए ऐसे बैठ गए हैं, उसमें जो है इन्होंने कार खरीद ली है। इनका कार में टैंक था, ये टैंक में पूरे मजे से लगे हुए हैं। इधर से बाहर से प्लेन हमारे पास मेन्यू भी आ गया है और मेन्यू जो है वो देखा जा रहा है, देखते हैं कि क्या पता चलता है क्या खाना है क्या पीना है। तो हम लोग कॉकपिट में आ गए हैं और यहाँ पर सोफों का लगा हुआ है, यहाँ से अपनी गाड़ी दिख रही है टाटा सफारी। खुशू आओ, आजा दिखा दूँ टाटा सफारी, दिखा दूँ। ये देखो आ गए खुशू, ये वो देखो टाटा सफारी, वो करी है। चलो चला कैसे चलेगा? चलो बाय, अब घूम के आना ठीक है।
वापस निकल चुके हैं और अभी भी वही ट्रिप भी हमने कंटिन्यूड रखी है। 15.4 का भी मुझे दिखा रही है, 15.5। और अब देखते हैं कि जब हम लोग वापस ये पूरी ट्रिप जब एंड करेंगे तो सिटी मोड में टाटा सफारी का ऑटोमेटिक वेरिएंट का क्या माइलेज निकल के आता है। वापस पेरिफेरल चढ़ गए हैं और अब टोल गेट पे आ रहे हैं। यहाँ से टोल लेने के बाद सीधे एग्जिट पे है और यहाँ का टोल प्लाजा कुछ ऐसा दिखता है। अभी गाड़ी 15.7 का माइलेज दे रही है, 138.6 किलोमीटर्स हो गए हैं। पानी बरसना तो बंद हो चुका है लेकिन अभी भी मौसम बहुत बढ़िया है। धूप आ गई है। तो गाइज अब हम लोग अपनी ट्रिप कर रहे हैं एंड और इस टाइम पर हमने टोटल 239.3 किलोमीटर अपनी कार चलाई है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमने चलाई है हाईवे पे और बहुत ही कम सिटी ड्राइव भी रही है। टोटल अपना 15.5 का माइलेज आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर आप अब देख पा रहे हैं तो 15.5 की माइलेज, 239.3 की किलोमीटर्स टोटल कार चली अपनी। ये है अपना सिटी मोड के ऊपर। अपनी कार है टाटा सफारी डार्क ऑटोमेटिक।